जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको मंगलवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। एक बार नैमिषारण तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर प्राणों की ज्ञाता से सूर्य से पूछने लगे, हे माँ मुनि, आपने हमें अनेकों प्राणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का वह दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर इन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूर्य जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का वह समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरक गामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में यह प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूख की प्यास से निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से बेबल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुसा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में, इसके पश्चात कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है,
तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते ही तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत खिनवी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बन रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे कुछ विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महा विद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। बोलो मंगल देव भगवान की जय। बोलो बजरंगबली की जय।